अपने बोल को 51 डिग्रीज डिएगो की तरफ मोड़ो। ओके ओके डिएगो मेरी तरफ। ओके अब मैं 51 डिग्रीज मुड़ जाती हूँ और देखते हैं क्या होता है। दरवाजा, ये एक दरवाजा खोल रहा है। ये तो सच में हो रहा है। जब तक दरवाजा ना खुले कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वो क्या है? लगता है कोई एंशिएंट इनका ग्रुप हग है। छूट गई। I'm sorry. दोस्तों तुम्हें ऊपर देखना चाहिए। जंगल पजल तुम्हें मारना चाहती है। डोंट बंद हो रहा है। ये हॉलवे तो बहुत बड़ा है। देख के तो लग रहा है कि खत्म ही नहीं होता। वैसे वो है क्या? एक जायंट गोल्डन मंकी। हमने कर दिखाया, हमने खजाना ढूंढ लिया। एक मिनट, ये स्कल्स, लगता है ये वार्निंग है। ओके, मुझे पता है क्या करना है। जब हम हॉलवे के अंत में पहुंचेंगे तो हम सबको एक साथ छलांग लगानी होगी। पर वो बहुत दूर है। क्या? हम ये नहीं कर पाएंगे। ये एक भ्रम है दोस्तों, मेरा यकीन करो। इट्स ओके समी, भरोसा रखो, हाथ छोड़ दो। ओके 3, 2, 1 बनाने के लिए। क्या बात है डिएगो, क्यों ना हम भी इंसिडेंट का ग्रुप हग करें। पहले तो ये मंकी का आइडल कमाल लग रहा था। मुझे तो कमाल की लग रही है। क्या वो एमरल्ड है? ये तो बास्केटबॉल से भी बड़ा है। लगता है हमें खजाना मिल गया दोस्तों। नहीं, ये आखिरी पहेली है। देखो ये तो कीपू है, इनका भाषा में लिखा हुआ है, देवताओं को कुछ ऐसा भोग लगाओ जो बहुत ही ज्यादा पूजनीय हो। डोरा बताओ कौन सी पूजनीय चीज है। मैं बताऊं? जो मेरे लिए पूजनीय है, गोल्ड। ओह, फिर से नहीं। मेरे लिए चीजें मुश्किल करने के लिए शुक्रिया। एक बार फिर मुझे बस मिस नो इट ऑल का पीछा करना था और उसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। गोल्ड, गोल्ड। ये बहुत सारा गोल्ड है। इस पजल को सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि इंकास गोल्ड से मॉन्यूमेंट्स बनाया करते थे। गोल्ड उनके लिए सूरज छूने जैसा था और वो उनके लिए देवता थे।